पश्चिम बंगाल पर हमारी अगली डिबेट होगी। आज ताल ठोके का स्पेशल एडिशन है। तारक फतेह हमारे साथ कनाडा से इस डिबेट में भी बने रहेंगे। तारक फतेह, शुक्रिया आपका कनाडा से जुड़ने के लिए हमारे साथ। हम उम्मीद करते हैं एक घंटे और आप रहेंगे हमारे साथ। क्या बंगाल में ममता बनर्जी माँ माटी और मुसलमान की सियासत करती हैं? ये सवाल आज इसलिए क्योंकि 17 साल के एक लड़के के सोशल मीडिया पोस्ट पर उत्तरी 24 परगना में 3 दिन तक हिंसा होती रही, लेकिन पुलिस दंगाइयों पर काबू पाने में नाकाम रही। दुकानें लूटी गईं, उनमें आग लगाई गई, हजारों लोगों के घर तबाह हो गए, लेकिन पुलिस दंगाइयों पर काबू नहीं पा सकी। और जब राज्यपाल केशरीनाथ त्रिपाठी ने ममता बनर्जी से पुलिस की नाकामी पर सवाल पूछा तो ममता बनर्जी ने आरोप लगा दिया कि राज्यपाल ने उन्हें धमकी दी, उनका अपमान किया। यह अलग बात है कि राज्यपाल कह रहे हैं ममता बनर्जी बंगाल के लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल कर रही। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि ममता राज के दौरान बंगाल में दंगाइयों को खुली छूट मिली हो। बात चाहे धूलागढ़ की हो, कालियाचक की या मालदा की, कई बार बंगाल में दंगे हुए और हर बार ममता सरकार पर समुदाय विशेष का साथ देने का आरोप लगा, देर से कार्रवाई करने का आरोप लगा। दंगाइयों को खुली छूट देने के अलावा ममता बनर्जी पर मुस्लिम तुष्टिकरण के भी आरोप लगे। चाहे दुर्गा पूजा पर रोको या सरस्वती पूजा की मनाही, ममता सरकार पर खुलेआम एक समुदाय विशेष का साथ देने का आरोप लगा। तो आज तालठोक के पूछेंगे, क्या ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की नेता बनना चाहती है? क्या बंगाल को हिंदुओं के लिए कश्मीर की तरह बनाया जा रहा है? क्या बंगाल में बार बार दंगे मुस्लिम तुष्टिकरण का नतीजा है? और सवाल उन लोगों से भी जो गौरक्षकों की हिंसा के खिलाफ पूरे देश में प्रदर्शन करते हैं लेकिन बंगाल की हिंसा पर आंख नाक कान बंद कर लेते हैं। तालठोक के स्पेशल एडिशन बहस नंबर 2। कोई हिंदू मर रहा है, कोई मुस्लिम मर रहा है, वो हमारा भाई है, क्यों ऐसे कर रहा है? यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरीके से लाइन से सारी दुकानों पर अटैक किया गया है। स्थानीय लोग हैं, उनका ये कहना है कि जब ये मॉब अटैक हो रहा था, कुछ लोग जब यहाँ पे अटैक कर रहे थे, उनका जितना भी पैसा वगैरह जो भी था सब कुछ लूट लिया गया। আপনারা তো ভাববেন আমরা দিনে কাজ করি। আমি খুব দুঃখের সাথে বলছি, এত কাজ করার পরেও এই দুটো গ্রুপের মধ্যে কখনো হিন্দু কখনো মুসলমান, এই যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, একটা ফেসবুক থেকে দাঙ্গা লাগিয়ে দিচ্ছে। দ্য মোমেন্ট সামবডি A group of people, when they are creating ruckus, when they are hitting people, why are not they being stopped immediately? Because they are Muslims? That is my question. Why? इस तरह के जो लोग अफवाह फैलाते हैं सोशल मीडिया के द्वारा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जिस प्रकार हिंसा को रोकने में नाकाम रही है ममता बनर्जी और कहीं ना कहीं भेदभाव दिखाकर अपनी सत्ता में भी भेदभाव दिखा रही है, जो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार मुंह भंग हुआ सपा सरकार का, इस प्रकार की राजनीति करने से, इस प्रकार के भेदभाव करने से, वही स्थिति आज पश्चिम बंगाल में दिख रही है। कि ममता बनर्जी को पहले समझना चाहिए कि सांप्रदायिक हिंसा बंगाल के अंदर और उनकी तुष्टिकरण की जो राजनीति है उसके कारण फैलती जा रही है। उनकी पुलिस जो है निपुंसक की तरह काम कर रही है। ताल ठोक के पहला सवाल, ममता राज में दंगाइयों पर ममता क्यों? दूसरा सवाल, क्या ममता बनर्जी सिर्फ मुसलमानों की नेता बनना चाहती हैं? तीसरा सवाल, क्या बंगाल को हिंदुओं के लिए कश्मीर बनाया जा रहा है? और ताल ठोक के चौथा सवाल,
बंगाल में भीड़ की हिंसा पर इतनी खामोशी क्यों? तो आपको बहस की शुरुआत करने से पहले आज हम ये नहीं बताएंगे कि इस कार्यक्रम में कौन कौन शामिल हो रहा, हम आपको ये बताएंगे कि किस किस ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया। तृणमूल कांग्रेस के किसी भी नेता ने इस कार्यक्रम में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। हमने तृणमूल कांग्रेस के 6 बड़े नेताओं को फोन किया लेकिन कोई भी इस कार्यक्रम में टीएमसी का, पश्चिम बंगाल की सरकार का पक्ष रखने के लिए तैयार नहीं हुआ। हम आपको बताते हैं तृणमूल कांग्रेस के किन किन नेताओं से हमने बात की। मुकुल रॉय टीएमसी के सांसद हैं, हमने उनसे बात की, वो इस कार्यक्रम में आने को तैयार नहीं। स्वागत रॉय टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने भी कार्यक्रम में आने से मना कर दिया। सुल्तान अहमद टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में पार्टी का पक्ष रखने से मना कर दिया। मुनमुन सेन टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने भी इस कार्यक्रम में ममता बनर्जी सरकार या अपनी पार्टी का पक्ष रखने की जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ लिया। शताब्दी रॉय और महुआ मोइत्रा, शताब्दी रॉय सांसद हैं और महुआ मोइत्रा विधायक, दोनों ने ही इस मामले में टीवी पर आकर ममता बनर्जी सरकार या फिर तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखने से साफ इनकार कर दिया। इसके अलावा हम आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने भी आज इस प्रोग्राम में अपना कोई प्रतिनिधि नहीं भेजा। उनका कहना था कि दंगे के विषय पर वो अपना प्रतिनिधि नहीं भेजना चाहते, वो दंगे भड़काने में नहीं, दंगे शांत करने में यकीन रखते हैं, ऐसा कांग्रेस पार्टी का कहना था। कौन कौन आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहा है उनसे आपका परिचय करा दें। मौलाना अब्दुल रहमान आबिद हैं, इंडियन मुस्लिम राबता काउंसिल के महासचिव हैं, दारुल उलूम देवबंद से जुड़े हुए। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, वो प्रवक्ता ओल्ड बॉयज एसोसिएशन से जुड़े हुए। गौरव भाटिया प्रवक्ता हैं बीजेपी के, वो सुप्रीम कोर्ट में वकालत भी करते हैं। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, रूट्स इन कश्मीर के सह संस्थापक हैं, कश्मीरी पंडितों के मुद्दे उठाते रहे। राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, वो आरएसएस के विचारक हैं, आरएसएस के जानकार हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। और फहीम बेग हमारे साथ हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मेरी सहयोगी पूजा मेहता इस वक्त हमारे साथ हैं पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के बादोड़िया से। और तारिक फतेह हमारे साथ पहले से जुड़े हैं, वो कनाडा के लेखक हैं, जाने माने चेहरे हैं टेलीविजन पर, अक्सर आप उनको डिबेट्स में देखते हैं। सबसे पहले पूजा मेहता, मैं आपसे जानना चाहता हूं, जो आपने देखा वो बताएं, वहां क्या क्या हुआ जो इस देश का मीडिया नहीं दिखा रहा। जी बिल्कुल रोहित, मैं आपको बता दूं क्योंकि ये जो हिंसा की आग है ये शनिवार को जलने लगी जब एक 17 साल का लड़का जो बदूरिया का है, जहां पर हम हैं अभी फिलहाल, उसने एक काफ़ी कम्युनली सेंसिटिव पोस्ट किया था फेसबुक पर और वो किसी धर्म के सेंटिमेंट्स को हर्ट करता है। उसके बाद ही यहाँ पर दोनों पक्षों में भिड़न हो जाती है, दो संप्रदाय में भिड़न होती है। उसके बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार का एक ऐसा दिन था जब ये हिंसा पे जाती है और तब जाकर राज्य की सरकार को पैरामिलिट्री फोर्स बुलानी पड़ती है और 4 कंपनियां बीएसएफ की यहां पे तैनात की जाती है। बड़ा सवाल है जब हिंसा की आग जब शनिवार को जलने लगी, जब हार्ट से कंट्रोल के बाहर जाने लगी सिचुएशन संडे को, तो तब क्यों पुलिस फेल हुआ यहां पे सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए? स्थानीय जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से फेल हुआ। यहां के जो लोकल्स हैं उनका कहना है कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है, पुलिस कुछ भी नहीं कर रहा था। जब यहाँ पे कुछ दंगाई आके दुकानें तोड़ रहे थे, घर पे अटैक कर रहे थे, लोगों पे अटैक कर रहे थे, पुलिस बस एक म्यूट स्पेक्टेटर होके खड़ा हुआ था, पुलिस ना ही तो इंटरफियर किया। और एक बड़ा जो सवाल उठता है कि आखिर पुलिस का क्या रोल है अभी तक, क्योंकि उस लड़के के अलावा अभी तक किसी एक की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस ने औपचारिक रूप से किसी की भी दंगाई, जो यहाँ पे दंगा कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी का कोई भी ऑफिशियल वर्जन नहीं ला पाए हैं। तो ये बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर यहाँ पे दोनों संप्रदाय के लोग मतलब अफेक्टेड हुए हैं, दोनों के घर जले हैं, दोनों की दुकानें जली है, तो आखिर पुलिस अभी तक क्या कर रही है? और आज जाके जब सिचुएशन पीसफुल हुई है वो इस वजह से क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स ने सुबह से ही यहाँ पे रूट मार्च किया है और धारा 144 यहाँ पे लागू कर दी गई है, तो आखिर इतना समय क्यों लगा स्थानीय प्रशासन को? रोहित, हम वापस आते हैं पूजा मेहता आपके पास। फहीम बेग, लिंचिंग से आप बड़े परेशान थे, लगातार आप लोगों ने लिंचिंग का मसला उठाया, जब आपके अपने लोग लिंचिंग करते हैं तब आपको बुरा नहीं लगता सर? देखिए, ये एक स्क्रिप्ट है जिसके अध्याय हमारे सामने बार बार आ रहे हैं। जिस तरह पूरे देश में
इसी तरह का माहौल बनाकर राज्य हासिल किए गए, स्टेटों पर कब्जा किया गया, देश पर कब्जा किया गया। अब बंगाल, उड़ीसा, बेंगलुरु, दिल्ली वगैरह जो स्टेट रह गए हैं, ये उनका एक स्क्रिप्ट है जिसकी ये इस तरह का जो मैं कहता हूँ पार्ट आ रहे हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, और इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले हैं ये वही लोग हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वो जो नौजवान जिसने फेसबुक पर ये पोस्ट की थी, वो भी इनकी आरएसएस वालों की शाखा में जाने वाला एक उनका रोजाना का एक संगीत था। और ये सब कुछ प्लांड है। और बंगाल में जिस तरह आग लगाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस ठीक इसी प्रकार से अंग्रेज हमारे देश में फूट डालो शासन करो वाला 200 साल का राज करके गए, तो एक विशेष पार्टी, विशेष विचारधारा के थ्रू ये दोबारा से हमारे यहाँ हो रहा है। और मैं समझता हूँ ना कोई राम का सगा है ना कोई रहीम का सगा है, जब मौका आया है तो कुछ नेताओं ने मेरे देश को, मेरे लोगों को ठगा है। सर, जब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ कि आपके अपने लोग लिंचिंग कर रहे हैं, तब आप इतनी बड़ी स्पीच स्क्रिप्ट करके दे देते हैं सर, उसमें शेरो शायरी भी आ जाती है, लेकिन जब कहीं एक आध वारदात दूसरी तरह की हो जाती है, सुनिए, जहां किसी मेरे युवक को लिंच किया गया किसी भी वजह से, सर, रोहित जी, तो मेरे, ये मेरे देश रहने लायक नहीं रहा, करोड़ लोग हैं, देश के 15 करोड़ मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, मारा जा रहा है। कब कहा? सर, यहाँ भी कहिए ना कि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, डराया जा रहा है, ये मेरा देश है, 125 करोड़ लोग मेरे भाई हैं। क्यों डरते हैं सर आप? 125 करोड़ लोग मेरे भाई हैं, अगर कोई मारने वाला, मरने वाला, वो सब मेरे भाई हैं। आप इस बात को छोड़ दीजिए, और घर दोनों के जले हैं, और ये जो आप पिक्चर पिक्चर्स दिखा रहे हैं इनमें सबके घर आ रहे हैं, आपका भाई आग लगेगी। आप तो आपकी तकरीर कुछ और तरह की होती, वैसी नहीं होती जैसी आपने अभी दी थी सर। प्लीज राकेश जी, देखिए मेरे लिए इनका, मैं अपने भाइयों को दोष नहीं दे रहा हूं, आप कैसे देंगे अपने भाइयों को दोष? चंडाल सर, आप कैसे देंगे? परसों तक आपके भाई नहीं थे, आज आपके भाई हैं। राज करने के लिए परसों आपके भाई नहीं थे, आज आपके भाई हैं सर। उसी से फर्क समझ में आता है सर। आज आज जैसी इनकी आवाज है, अगर यही आवाज, इतने आप सुन लीजिए, सुन लीजिए भाई है, सुन लीजिए, आपका सुन लिया मैंने, सुन लीजिए सर, आप दूसरे पर चंडाल है जो मेरे देश को बांटना चाहते हैं, ये मेरे भाई नहीं है सर, प्लीज, विदेशी ताकतें हैं और एक विदेशी वक्ता को सुन लीजिए, बिठा रखा है फहीम बेग, अब दूसरे वक्ता। असल में दो दिन पहले यदि ऐसी ही आवाज होती, 125 करोड़ जनता की बात किए होते और इतनी ही इंटेंसिटी के साथ बोलते तो बहुत अच्छा लगता है। आज जिस इंटेंसिटी से बोल रहे, साफ दिखाता है कि सांप्रदायिकता फैलाने की इनकी सोची साझी एक प्रकल्प चल रहा है। घटनाएं घटी हैं, जिन क्रिमिनल्स ने जुनैद को मारा, जिन क्रिमिनल्स ने जुनैद को मारा या अखलाक को मारा, उस पर राज्य सरकारें कार्रवाई कर रही हैं, पूरे सभी पार्टियों ने खंडन किया, उसकी निंदा की, उसके बाद इन्होंने सांप्रदायिकता का रूप पूरे देश में दिया कि भारत में मुसलमान खतरे में है, देश से लेकर लंदन से लेकर लाहौर तक गए। मैं अब दूसरी बात पर आना चाहता हूँ। ममता बनर्जी के बारे में हाईकोर्ट ने क्या कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। हाईकोर्ट ने जो रूलिंग दिया उसमें कहा, स्टेट कैन नॉट पेट्रोनाइज और फेवर ए पर्टिकुलर रिलीजन, और आगे कहा कि भारत के संविधान में पंथ निरपेक्षता उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ जाकर आप किसी धर्म विशेष का फेवर करती हैं तो गलत कर रही हैं। हाईकोर्ट ने अपने रूलिंग पर ममता बनर्जी को दोषी ठहराया है किसी रिलीजन को फेवर करने का। उसका मैं एक उदाहरण देता हूं, आगे डिबेट में बाकी बातें कहूंगा। निजो गृह निजो भूमि एक प्रकल्प है, यह प्रकल्प है लैंड जो होमलेस लोगों को जगह देने के लिए। ममता जी ने इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया, जो होमलेस इमाम है उनको दे रही हैं, यानी गरीबी को उन्होंने एक धर्म से जोड़ कर देख दिया, बाकी धर्म के लोगों को डिप्राइव कर दिया। और दूसरा एक उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री का जो 2815 करोड़ का बजट है, लार्ज स्केल इंडस्ट्री, मीडियम स्केल इंडस्ट्री एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, 10 सेकंड, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, चारों का बजट मिलाकर 2154 करोड़ का बजट है। यह दिखाता है कि ममता बनर्जी आज किस प्लेटफॉर्म पर खड़ी हैं और बेग साहब जैसे लोग किस प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। मनोहर साहब, आप बोलेंगे? आपने फहीम साहब को भी सुना, आपने राकेश जी, पंडित जी को भी बुलवा लीजिए, आप बोलने, फिर उसके बाद मैं पंडित जी के पास जाऊंगा। बोले इदरीस अली भी फोन पर आ गए, ये बता दूं इदरीस अली टीएमसी के सांसद हैं, उन्होंने फोन पर कम से कम इस कार्यक्रम में शामिल होने पर सहमति दी है। इदरीस अली, उसके लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूं और आपकी हिम्मत की दाद भी देता हूं। मैं वापस आऊंगा आपके पास सवाल लेने, उससे पहले मौलाना साहब आप बोल लें अपनी बात। मुझसे आपने सवाल क्या किया? मेरा सिर्फ इतना कहना, आपने दोनों की बात सुन ली, आपने फहीम बेग की बात भी सुनी, आपने राकेश सिन्हा की बात भी सुनी, आपको लगता है कि कहीं पश्चिम बंगाल में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है, मुसलमानों के लिए हिंदुओं को खदेड़ा जा रहा है, या ममता बनर्जी छूट दे रही हैं दंगाइयों को?
देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि राकेश साहब ने जो बात की है, जहाँ से शुरू की और जहाँ पे एंड किया, सियासत ये भी कर रहे हैं और सियासत ममता बनर्जी भी कर रही हैं। लेकिन ममता बनर्जी को पूरी तरह से ज़िम्मेदार करार दे देना, मैं समझता हूँ कि वो मुनासिब नहीं है। और डॉक्टर फहीम बेग की कई बातों से मैं सहमत हूँ। इस मुल्क में देखिए, और मैं मतलब कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो शायद ऑन ईयर मैं ना कह पाऊँ, लेकिन बहुत सी सच्चाइयाँ मुझे मालूम भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो है क्या स्ट्रेटजी बनती हैं, क्या काम होते हैं, किस तरह से कोई नहीं, मैं मेंबर नहीं रहा हूं, मैं मेंबर को कैसे बता, मुझे ऐसा पता है कि बहुत बड़े लीडरों से, अब से 15-20 साल पहले जो स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग थे, उन लोगों से मेरे बहुत करीबी संबंध रहे, मैं उनके साथ बैठ करके बहुत सी चीज़ों में डिस्कशन किए हैं। मैं बता रहा हूँ राकेश जी, सुन लीजिए। देखिए, असल में सबसे बड़ी खराबी ये हो जाती है कि जब हम सत्ता और वोट की सियासत के लिए हदों को लांघ जाते हैं और वहां पर जो है हम जात, बिरादरी, धर्म, मजहब, इन सब चीज़ों को बीच में ला करके जब अपने फायदे के लिए काम करना या बोलना शुरू कर दें, चाहे काम भी ना करें बोलना शुरू कर दें, तो फिर देश का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है, वो आज हो रहा है। ममता बनर्जी, मैं समझता हूँ कि वो तो बहुत अच्छी और शुद्ध ब्राह्मण है, मैं उनको भी 20-22 साल से जानता हूँ, और इतनी सादा पॉलिटिशियन है, मैं उनके जाति मामलात क्या हैं, किससे किस तरह के मामले हैं, क्या वो सियासत करती है, मैं नहीं कह सकता, लेकिन जितना मैंने जाना है कि वो बहुत सादा और सिंपल सियासतदान है जो सच बोलती है। ठीक है, ये सादगी है जिसमें लोगों को ये लगने लगा कि पश्चिम बंगाल दूसरा कश्मीर ना बन जाए। सादगी के सदके साहब, मैं आपको इन तीनों ने जो भी कुछ कहा हो वो एक तरफ, सिर्फ थोड़ा सा इतिहास याद दिला दूं। 16 अगस्त 1946 को कलकत्ते में ही देश के बंटवारे का सबसे पहला दंगा हुआ था, जिसको मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन का चेतावनी के रूप में करवाया था, और ठीक 363 दिन बाद, एक साल नहीं लगा था, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान अपना झंडा बुलंद कर रहा था। ये वही बंगाल है जहां से पार्टीशन, विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई थी। आज बंगाल उससे ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। आज का कलकत्ता 16 अगस्त 1946 के कलकत्ता से ज्यादा खतरनाक स्थिति में है। तस्लीमा नसरीन के विषय में जिस तरह पूरे शहर को घुटने टिकवा दिए गए थे, एक एक कलकत्ता वासी कांप गया था। यह हालत उन्होंने आज कई जिलों में कर दी है, चाहे वो मालदा हो, चाहे 24 परगना हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो। लोगों को घर बार छोड़ने, दुकान, मकान और जमीन बेच बेच कर भागने को मजबूर किया जा रहा है। बलात्कार हो रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, दुर्गा पूजाओं की क्षति हो रही है, और हिंदुओं की आवाज को बल देने का काम या उनकी पैरवी करने का काम, उनको सुरक्षा देने का काम वहां की सरकार करने में असफल रही है। ठीक है, और सीधे सीधे सांप्रदायिकता कर रही है, जिसका संज्ञान वहां की हाई कोर्ट ने लिया है और चीफ मिनिस्टर को चेतावनी दी है। ओके, इदरीस अली हमारे साथ फोन पर है, इससे पहले मैं तारिक फतेह के पास जाऊं, इदरीस अली से कमेंट ले लेता हूं। आपने ऐतिहासिक संदर्भ लिया है, उस पर तारिक फतेह से कमेंट लूंगा। इदरीस अली, क्या वाकई सरकार एक पक्षी होकर काम करने लगी? जी, जोर से बोल रही है। तो मेरा सवाल ये, क्या वाकई सरकार सिर्फ एक तरफ देख रही है, दूसरी तरफ का नहीं सुन रही है, एक तरफा काम कर रही है? पुलिस ने छूट दे दी दंगाइयों को? नहीं नहीं, उनका एलिगेशन अगेंस्ट ममता बनर्जी गलत है। देखिए, सबको जानता ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान सबके लिए काम करती हैं। ममता बनर्जी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, शी इज ए सिंबल ऑफ कॉम्युनल हार्मोनी, और सब जब कुछ दिखा देता है, स्ट्रॉन्ग स्टेप देता है, स्टेप अगेंस्ट हो, हिंदू हो क्या मुसलमान हो। मेरा ख्याल से हिंदू मुसलमान बहुत खुश है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के ऊपर। कोई कोई खदला आ जाता है, आ जाती है, वो इंडिया के अंदर सब जगह में होता, लेकिन पश्चिम बंगाल में बहुत कम होता। और पश्चिम बंगाल का जो प्रेजेंट चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, वो इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेती हैं, नहीं देखती कौन हिंदू कौन मुसलमान, और सबको लेके जैसा किसी का डेवलपमेंट का हो हिंदू मुसलमान के लिए करते हैं, किसी का कोई खराब काम में आ जाता नहीं दिखा जाता। सर एक सेकंड, इदरीस साहब, कम से कम ये चौथा या पांचवा मौका है
जब दंगे के मामले पर बात करने के लिए आपकी पार्टी से कोई सांसद तैयार नहीं हुआ, केवल आपने हिम्मत दिखाई, और चौथी या पांचवी बार मैं आपसे मुझे याद पड़ता है कि मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान को एक नजर से देखते हैं, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होता, हर बार आप सफाई देने आते हैं सर इस पे। जी जरूर, ममता बनर्जी हिंदू मुसलमान के लिए काम करते हैं। अच्छा, जहाँ जो जयल जी हिंदू मुसलमान सबको आके कुछ इंक्वायरी कीजिए, हिंदू मुसलमान के लिए ममता बनर्जी। एक सवाल का जवाब, रमना गांव में जो एक 11 साल की लड़की के साथ रेप हुआ और 15 साल की लड़की के साथ उस्मान गांव में जो रेप हुआ, उस पर ममता जी ने क्या किया? वो रेप कहाँ है? ये तो फहीम बेग से भी सवाल है। उन दो बच्चियों के साथ जो रेप करने वाले लोगों के बारे में आपने क्यों नहीं आवाज बुलंद की? प्रशासन ने क्यों नहीं कार्रवाई की? जुनैद इंपॉर्टेंट है, जुनैद की हत्या बहुत कंडेमनेबल है, लेकिन उसको तो आपने अखिल भारतीय रूप में सांप्रदायिकता का रूप दे दिया। ममता जी बोलने आ गई, लेकिन ये रमना विलेज की वो लड़की और शेड्यूल कास्ट बच्ची जो 15 साल की उस्मान विलेज की थी, 24 परगना की, उस पर सरकार क्यों नहीं कार्रवाई की? क्यों नहीं गिरफ्तार किया उन लोगों को? जरूर, कौन बोलता है ये? आपका गलतफहमी है, गलत इंफॉर्मेशन है। ममता बनर्जी गिरफ्तार भी हुई है, आप बता दीजिए। सुनिए, नहीं नहीं, जो ममता जी स्टेप जो लेती है ना, सुनिए, हिंदुस्तान का दूसरा स्टेट में ऐसा नहीं किया जाता। ममता बनर्जी जो डेवलपमेंट करती है वो हिंदुस्तान में दूसरा स्टेट नहीं लिया जाता है। ये सौम्य आज देखिए कन्याश्री से लेके ममता बनर्जी को तो इसलिए जो डिग्री नहीं सीखता उसके एंटी बोलता है। ममता बनर्जी जी आज कन्या से देखिए दुनिया का अंदर उनका नाम आ गया। दंगे पे चुप रहती है, गवर्नर को लेसन देती है सर, दंगे पे बोलती है, गवर्नर की शिकायत करती है सर। सुनिए, ऑनरेबल गवर्नर हमको उनका अगर मैं बोलना मुनासिब नहीं है, लेकिन उन्होंने ममता बनर्जी के इसमें जो कहा है, ये पश्चिम बंगाल का कोई आदमी ठीक से नहीं ले रहा। बोलना उनको ये बोलना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं सांसद जी, अगर आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, थोड़ा देखिए, उसके बाद शायद आप तस्वीर को बेहतर समझ पाएं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है। और आपके सांसदों को मनाइए टीवी पे जाके बोलने की, इसको भी आप समझिए, उससे आपको पता लगेगा कि ममता बनर्जी की सोच क्या है। लेकिन आप आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कम से कम हिम्मत की अपनी पार्टी का पक्ष रखने की। इदरीस अली कह रहे हैं कि ममता बनर्जी के लिए हिंदू मुसलमान बराबर हैं, फिर पुलिस कार्रवाई करने से क्यों हिचकती है, क्यों छूट दे देती है? और गौरव भाटिया, इस देश के बुद्धिजीवी वर्ग को जुनैद की हत्या में यह नजर आ जाता है कि हत्यारे कौन थे, वो भीड़ नहीं थी, वो संगठन के किसके कार्यकर्ता थे, लेकिन पश्चिम बंगाल में वो सब यही कहते रहते हैं कि जी दो पक्षों की ना समझी का नतीजा है, क्यों वहां आंखें बंद हो जाती हैं? बिल्कुल सही कहा रोहित जी आपने कि ये जो दोहरे मापदंड है ममता बनर्जी जी के, यही पूरा जो हमारा प्रजातंत्र है इसको खतरे में डाल देते हैं। ममता बनर्जी जी ने जब अयूब पंडित की डेथ हुई, जो कि एक पुलिस ऑफिसर अपनी ड्यूटी कर रहा था, तो एक बयान नहीं दिया। ममता बनर्जी ने, मेजर गोगोई ने जब लोगों की जान बचाई तो उसके पक्ष में कोई बात नहीं करी। लेकिन ये ढूंढते हैं कि कैसे सांप्रदायिक राजनीति की जाए। मैं ममता बनर्जी जी के बारे में ये बता दूं कि ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं भारत में, इसको खत्म कर रहे हैं। गवर्नर का रोल होता है कि किसी भी प्रदेश की या केंद्र की सरकार में अगर वो संविधान के तहत नहीं चल रही तो उसको सही सलाह दे और रास्ता दिखाए। केसरी नाथ त्रिपाठी जी एक लॉयर हैं, उन्होंने यही बात करी। ममता बनर्जी ने क्या बयान दिया वो शर्मनाक है। मीडिया वहां पे अगर कोई जान चली जाती है, लिंचिंग होती है। अभी 3 दिन पहले एक मेंटली चैलेंज महिला जो मार दी गई, तो मीडिया को रोक दिया जाता है कि वो कवर ना करे। जब भी वहां रायट होता है तो मीडिया कवर नहीं कर पाती है। ममता बनर्जी जी ने कहा कि आर्मी जो है वो झूठ बोलती है और ट्रक ड्राइवरों से हफ्ता वसूल करती है। तो आर्मी का इतना सम्मान भारत के लोग करते, लेकिन ममता बनर्जी जी क्या कहती हैं? अब हाईकोर्ट ने क्या कहा ये बहुत अहम है। मेडिकल एंट्रेंस में जब इन्होंने रिजर्वेशन करी मुस्लिम समुदाय के लिए, तो हाईकोर्ट ने इनको फटकार लगाई और कहा ये आप नहीं कर सकते। दुर्गा माँ की जब आप प्रतिमा को पानी में डालते हैं, इमर्ज करते हैं, तो इन्होंने 4 बजे का बैन लगा दिया था। तो हाईकोर्ट ने कहा, ये पढ़ने वाली लाइन है, स्टेट गवर्नमेंट मस्ट रियलाइज दैट इट वुड बी डेंजरस टू मिक्स पॉलिटिक्स विद रिलीजन।
वी आर लिविंग इन डिफिकल्ट टाइम्स, इनटॉलरेंस वुड राइज इन द इवेंट ऑफ सच आर्बिट्री डिसीजन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बीइंग पुट इन प्लेस एंड एनफोर्स्ड, और फटकार लगा के मना किया। और तीसरी बात, इन्होंने 2013 में मदरसों में जो पढ़ाते हैं मौलाना मौलवी उनको भत्ता देने की बात करी थी, जिसको क्वच किया कलकत्ता हाई कोर्ट ने, ये कह के कि ये अनुच्छेद 14 के खिलाफ है संविधान के। तो ये सरकार ममता बनर्जी जी की संविधान को ध्यान में रखते नहीं, संविधान को तार तार करके चल रही है। सर आप लोग क्या कर रहे हैं, सवाल तो ये है विपक्ष के तौर पर आप लोगों की भूमिका क्या है, आपको क्यों नहीं चलाना था नॉट इन माई नेम जैसा कोई कैंपेन, आप लोग क्यों नहीं खड़े होते उस लिंचिंग के खिलाफ जिसकी कोई मीडिया में रिपोर्टिंग नहीं होती, उस लिंचिंग के खिलाफ जिसके अखबारों में फोटो नहीं छपते, उस लिंचिंग के खिलाफ जिसके लिए कोई मोर्चे नहीं निकालता। मेरा सवाल सर, एक सेकंड सर, थोड़ा सा रुकिए। गौरव भाटिया आप पहले समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता थे, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश में कुछ भी होता था आपको आए दिन सफाई देनी पड़ती थी, पश्चिम बंगाल में आए दिन कुछ भी होता है ना टीवी पे खबर आती है ना अखबार में खबर आती है, ना कोई राजनीतिक पार्टी उसका मुद्दा बनाती है, ना कोई सामाजिक संगठन खड़ा होता है, ना किसी को बुरा लगता है। तो इसीलिए तो जी न्यूज अच्छा कार्य कर रहा है। मैं तो बता सर, मुझे सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, आप कम से कम लगातार आवाज उठाते रहे हैं, लेकिन आप लोगों की भी तो जिम्मेदारी है बतौर विपक्ष, आप लोगों को बतौर विपक्ष कुछ करेंगे। नहीं रोहित जी, एक बुनियादी प्रश्न जो आपने उठाया, मैं थोड़ा देखिए, संविधान को मानता हूँ, संविधान की बात मैंने करी। गौरव जी मैं यहाँ इतनी सर, एक बार मैं तारिक फतेह को चर्चा में शामिल कर लूँ, बहुत देर से सुन रहे हैं आप सबकी बात, स्काइप पे बैठ के अकेले सुनते रहना बिना देखे बड़ा कठिन होता है, और उनके धैर्य की आपको दाद देनी चाहिए कि वो फिर भी हमारे साथ बने हुए, उन्होंने फ़ोन काट नहीं दिया और चले नहीं गए। तारिक फतेह साहब, पश्चिम बंगाल को लेके उस समय भी चर्चा होती रही जब आप भारत में थे, आप फतेह का फतवा होस्ट कर रहे थे, यहाँ स्टूडियो से इस कार्यक्रम का हिस्सा बनते थे, क्या आपको लगता है कि पश्चिम बंगाल का जो इतिहास का जिक्र अभी सुशील पंडित कर रहे थे, आज वहाँ वाकई वैसी स्थिति हो रही है कि वहाँ से कश्मीर की तरह हिंदुओं को खदेड़ दिया जाएगा, या ये एक राजनीतिक डर है जो पैदा किया गया? मैं नहीं समझता हूं कि वो नौबत आई है, क्योंकि कश्मीर में पंडितों की जो पॉपुलेशन थी वो इतनी कम थी कि उन पे पाकिस्तान बेस्ड जो जिहादी हैं उन्होंने अपना काम दिखा दिया, और कुछ हिंदुस्तान की हुकूमत भी नहीं कुछ कर सकी। लेकिन मुझे तो ये पता है कि कलकत्ता के अंदर जब मुझे इन्वाइट किया बोली, तो आपके वो जो मौलाना साहब है जिनकी दाढ़ी बड़ी लाल है, उन्होंने कहा कि मैं तारिक फतेह की गर्दन काट दूंगा, और कलकत्ता की पुलिस या आपके वेस्ट बंगाल पुलिस है जो भी, किसी ने कुछ कहा ही नहीं। उसके बाद मार पीट करने की धमकियां जो हैं वो तो कलकत्ता से ही आती ना। मैं तो कलकत्ता में जाके ये हैरान हो गया कि 1946 की के डायरेक्ट एक्शन डे के अंदर जो हजारों लोगों का कत्ल हुआ उसका मेमोरियल तक नहीं है। तो जब आप अपनी खुद की तारीख के अंदर इस बात पे ध्यान नहीं देंगे कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ट्रेजेडी अगस्त की शायद 13 तारीख थी 1946, उस दिन हुई और काट के हजारों लोगों की जाने गई, और कत्ल करने वालों को उड़ीसा के एक पासपोर्ट ऑफिस वाले ने जाली पासपोर्ट देके कोलंबो भेज दिया, जो बाद में फिर वो वहां से पाकिस्तान गए। ये सब पता नहीं 50s में आपने तारीख बदल दी। अब मसला ये है कि ममता बनर्जी इज एन इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, वो एक स्टेट की कोई डिक्टेटर नहीं है। अगर वो लोग जो चाहते हैं कि उनकी हुकूमत ना हो, तो एक डेमोक्रेटिक तरीका ये है कि जिस तरह ज्योति अपने CPM की हुकूमत होती थी, उनको उन्होंने कहा भाई जाओ खुदा हाफिज जान छोड़ो, हमारी तबाह कर दिया बंगाल को, वो अगले इलेक्शन के अंदर जाके कहें कि भाई ममता बनर्जी ठीक नहीं है और चले जाएं। मुझे एतराज है हिंदुस्तान के हिंदी बेल्ट के जो मौलाना लोग हैं कि ना ये जाते हैं कभी कश्मीर में के जाके कहें कि ये बदतमीजियां बंद करो, ये क्यों नहीं खड़े होते जाके सैयद सलाउद्दीन के सामने खड़े होके कहते हमें पहले गोली मारो, ये सारे मौलाना लोग क्यों नहीं जाते बंगाल और जाके जिन गांव के अंदर हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है वो कहें कि बताओ किस मोहम्मद ने इस तरह की हरकतें की थी जिसके सुन्नत पे चल के तुम आज ये कत्लेआम कर रहे हो।
कुछ तो मुसलमान आईना खोल के देखे ना कि हमारी तारीख में क्या है ये। हम कोई अपना हम कत्ल भी कर सकते हैं, हुसैन को भी मार सकते हैं। मैं आपका सवाल फहीम तो हम और हम बचा भी सकते हैं, तो हमारा वो अमल होना चाहिए हिंदुस्तानी मुसलमानों की जो लीडरशिप है कि ये खुद जाएं वहां पे और खुद कह के आए, इसमें सियासत ना करें। जो कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा मिक्सिंग ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, ये आग से खेल रहे हैं और इस आग के अंदर मुसलमान झुलस के मर जाएंगे। हिंदू तो पिछले 1000 साल से बर्दाश्त कर ही रहे हैं। ठीक है सर, कांग्रेस है नहीं, आप वरना मैं उनसे पूछता कि राहुल गांधी कब जाएंगे। ऐड कर दूं इसी में, आप बोले फिर मैं फाइट बैक के पास जा रहा हूं। देखिए सुशील पंडित जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात इसलिए कही है कि पूरे पश्चिम बंगाल की राजनीति और दिल्ली की राजनीति में जो डिस्कोर्स है फहीम बेग जिसमें आप शामिल हैं, उस डिस्कोर्स में एक नारा दिया जा रहा है कि भारत में मुसलमान अब खतरे में आ गए, मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स शुरू हो गया है। 3-4 घटना जिसका रोहित जी ने जिक्र किया और जिसकी निंदा की और जिसकी सबने निंदा की, हम शरीक हैं निंदा में, आप जितने दुखी हो हम भी दुखी हैं। उस उन घटनाओं को जिस प्रकार से आपने प्रसारित किया कि संगठित रूप से एक विचारधारा और एक सरकार जिसमें नरेंद्र मोदी तक जी को घसीट लिया कर रहे हैं, तो क्या कलकत्ते में जो घटनाएं घट रही हैं उस डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं है जो आज़ादी से पहले पाकिस्तान आंदोलन के लोग चला रहे थे? सर अगर यूपी में जो दंगे हुए उसके लिए अखिलेश यादव जिम्मेदार थे, तो पश्चिम बंगाल में जो रहा उसके लिए ममता बनर्जी क्यों नहीं जिम्मेदार मानी जाएंगी? फहीम बेग साहब जो बात तारक फतेह कह रहे थे मैं वो भी आपसे पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं अब आप कहते नॉट इन माई नेम, क्यों नहीं अब आप खड़े होते, क्यों नहीं अब आप कहते कि ऐसी लिंचिंग बंद होनी चाहिए जो पश्चिम बंगाल में हो रही है, क्यों इसको छुपाते हैं दो पक्षों के बीच का विवाद कह के? रोहित जी अवार्ड वापसी गैंग का, अवार्ड वापसी गैंग का है। फहीम बेग साहब बोलिए। रोहित जी अरे रोहित जी एक बात बताइए, जब जब आपके भाटिया साहब बोले, राकेश जी बोले, पंडित जी बोले और महामहिम बोले, तो आपकी घड़ी जो है रुक गई, उसका टाइम आपको नहीं दिखा। जब मैं बोलूं या रहमान साहब बोले तो आप 1.5 मिनट बता देते हैं, काम करेंगे। सुनिए थोड़ा सा, ये जो आप एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं ना, ध्यान से सुनिए मेरी बात, ध्यान से सुनिए मेरी बात, आपकी घड़ी ध्यान से सुनिए मेरी बात, सुनिए, ये विक्टिमहुड सिंड्रोम चलेगा। घड़ियों को आप सही से चलाइए, आदत है ना कि हर जगह विक्टिम प्ले कर दे और उसके बाद सहानुभूति हमारे साथ हो जाए, लोगों को लगने लगे हाँ हाँ इस बेचारे के साथ तो ऐसा हो गया। अब सर टीवी चल रहा है सबको दिख रहा है, मुद्दे की बात, टीवी चल रहा है सबको दिख रहा है। तारक फतेह के लिए घड़ी नहीं चली क्योंकि वो कनाडा से बैठे आधे घंटे से सुन रहे थे सबकी बात। पहला सवाल लेके मैं उनके पास नहीं गया था और इसके लिए मुझे आपको सफाई देने की जरूरत नहीं है। जी का भाषण अब बोलिए। अरे इन चारों का काम मिलाकर, सुनिए मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दे की बात यह है कि जो मेमोरियल की बात हो रही है, तो मैं इनको बता दूं कि आरएसएस श्रीमान तारिक फतेह का मेमोरियल बना देगी जब ये दुनिया से चले जाए। क्या बात कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं, ये इस्लाम सिखाता है, बदतमीजी है। टेलीविजन डिबेट में आप बरकती बनना चाहते हैं तो सर मेरे पास ये अधिकार है कि जैसे हम बरकती की आवाज बंद करते हैं आपकी आवाज बंद करके आपको नमस्ते माफी मांगने के लिए, या तो आप माफी मांगे या फिर आपका धन्यवाद है, आप दोबारा इस चैनल पर दिखाई नहीं देंगे। फहीम बेग आप माफी मांगे, आपसे वादा कर रहा हूँ, अपने शब्द वापस ले, माफी मांगे, या फिर उसके बाद आप दोबारा ये उम्मीद ना करें कि आप टेलीविजन पर घटिया बातें कर रहे हैं, घटिया गलत बातें, ये गलत बातें, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जायज नहीं है, बिल्कुल नहीं करते हैं, ये अलाउ नहीं किया। अरब ये अरब देश में बैठ के नहीं आप माफी मांगेंगे तब आगे बात बोल पाएंगे, नहीं तो नहीं बोल पाएंगे। अरे किस बात की माफी, आपने जो हरकत की ये कहते हुए कि इनकी मौत हो जाएगी उसके बाद मेमोरियल बनाएंगे, आप कौन है उनकी मौत की तारीख डिसाइड करने वाले? बिल्कुल रोहित जी आप सही कर रहे हैं, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको चैनल पे बॉयकॉट कर दीजिए। आप हैं कौन, इस तरह की बात किसी के लिए करना, क्या समझते हैं आप अपने आप को? घटिया मानसिकता का व्यक्ति हिंदुस्तान में मैंने पहली बार देखा है। आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए फहीम बेग आपको अपनी बात के लिए। और हंस रहा है, ये राक्षसी हंसी बंद करो, ये ओसामा बिन लादेन की हंसी है, ये फहीम बेग यादव की हंसी है, फहीम बेग ओसामा बिन लादेन की है, बात रूप है, फहीम बेग आप इस मजाक नहीं है कि आप टेलीविजन पर बैठे हैं, आपकी बात देश के सामने हो, आप लायक नहीं है, आप डिजर्व नहीं करते टीवी पर होना। मैं अपने दर्शकों से माफी चाहता हूँ कि ऐसे आदमी को हम लोग टीवी पर लेकर आए जिसे बात करने की राक्षसी हंसी हंसता है, जहनियत नहीं है, तमीज नहीं है, आप जा सकते हैं, धन्यवाद आपका। सर मेरे ख्याल से आप उन्हें एक्सप्लेन करने का एक मौका नहीं, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं इस बात को, आप मौत की तारीख डिसाइड कर सकते हैं, हो सकता है कि वो ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं जब कि आपकी मौत के बाद मेमोरियल बना देंगे आपका,
तो वो पता नहीं किस उसमें नहीं, 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 आप उनको पहले आप क्यों नहीं बोले ऐसा? मेरे ख्याल से एक बार उनको आप क्यों नहीं बोले ऐसा? आपका भी वैचारिक मतभेद है तारिक फतेह से, हो सकता बहुत बहुत मेरे से भी हो सकता है, इनसे भी हो सकता है, आपको निंदा करनी चाहिए ऐसे ऐसे इसको इनकरेज नहीं करना, इस तरह के बयान को इनकरेज ना करिए कम से कम। एक बार उनको मेरे ख्याल से मौका दीजिए, पर्याप्त मौका दिया गया था सर, पर्याप्त मौका दिया गया, आपने देखा वो हंसने लगे। आप बोले सर अपनी बात। देखिए बुनियादी तौर पर मैं अभी राकेश पंडित जी ने एक बात कही थी और भाटिया जी भी कह रहे थे, राकेश भाई भी कह रहे थे, तकरीबन सभी का मिलता जुलता एक, चूँकि मैं देखिए ममता बनर्जी की ना तो पार्टी का आदमी हूँ और ना उनकी वकालत करने के लिए यहाँ बैठा हूँ, लेकिन फिर भी बुनियादी तौर पर मेरे जहन में एक सवाल आया सारी बातों को सुन करके कि 5 साल तक ममता बनर्जी NDA का हिस्सा थी, वाजपेयी जी के साथ रही सरकार में, बहुत अच्छी थी, अब अगर वो NDA में नहीं है तो क्या यकदम जो है या यकलफ्त ममता बनर्जी इतनी बुरी हो गई है? ये एक सवाल है, इस सवाल पर भी इन लोगों को सबको सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए। दूसरी बात, जो पश्चिमी बंगाल में पंडित जी ने हमारे एक बात कही कि साहब आज़ादी से पहले इन लोगों ने जो है पाकिस्तान की मांग की थी, डिमांड की थी, तो पंडित जी जिन लोगों ने जिन लोगों ने डिमांड की थी पाकिस्तान की, उन्होंने पाकिस्तान ले लिया था जो आज दो हिस्सों में है, एक बांग्लादेश की सूरत में, एक पाकिस्तान की। तो बांग्लादेश जिसको आपने कहा कि उन्होंने सबसे पहले डिमांड की थी और दंगा हुआ था, आज वो मोदी सरकार के सबसे बड़े दोस्त हैं, वही मुस्लिम मुस्लिम कुछ दिनों में जहां कहीं जितने मुस्लिम पड़ोसी देश हैं उनमें सबसे बढ़िया दोस्ती हमारी बांग्लादेश। पिछले कुछ दिनों में जहां कहीं लिंचिंग हुई, आप लोगों ने कहा RSS बीजेपी इनसे जुड़े संगठन माफी मांगे या इन लोगों की वजह से ही हो रहा है? सुन लीजिए ना सर, सुन लीजिए, सुन लीजिए, चलिए। अगर पश्चिम बंगाल में यह आरोप लग रहा है कि मुस्लिम आबादी हिंदू आबादी को कॉर्नर कर रही है, उसके ऊपर दबाव डाल रही है, उनके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, क्या आप लोगों की यह जिम्मेदारी नहीं बनती कि सद्भाव को बनाए रखने के लिए आप लोग जाएं वहां पर, अपने लोगों को समझाएं कि ऐसा नहीं करना चाहिए? बिल्कुल, सद्भाव सबसे पहली चीज है, हमारी एकता, हमारा इत्तेहाद और हमारी आपस की मोहब्बत और मेलजोल सबसे पहले ये अव्वल है, सारी चीज़ें इसके बाद है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, लिंचिंग की जो आप बात कर रहे हैं, लिंचिंग चाहे हिंदू की तरफ से हो, चाहे मुसलमान की तरफ से हो, चाहे किसी और की तरफ से हो, जनरलाइजेशन नहीं चलेगा, वो नाजायज है, वो गलत है, लीपापोती है। देखिए लीपापोती नहीं, ये सच है, इसको मानना पड़ेगा। मैंने जब कहा कि हिंदू करे या मुसलमान करे, सवाल पूछा, मेरी एक बात सुन लीजिए, नहीं मुझे मेरी बात कहने दीजिए, पूरा कर, मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की अभी। तो देखिए मैं कह रहा हूँ कि पश्चिम बंगाल में क्या मुसलमान इस पोजीशन में है और क्या ब्यूरोक्रेसी सारी मुसलमानों की है, क्या हुकूमत में ममता बनर्जी के अलावा दूसरे लोग नहीं है, क्या सारे लोग बिल्कुल ही जो है वो अपाहिज होकर बैठ गए हैं कि साहब मुसलमान वहाँ पे मनमानी कर रहे हैं और मुसलमानों को जिस तरह से यहाँ पेश किया जा रहा है कि साहब मुसलमानों ने एक तरफा जो हिंदुओं को, आपने सुना नहीं, रिपोर्टर ने जो बताया, दो रिपोर्टर ने बताया कि एक लड़के ने एक धार्मिक जज्बात को भड़काने वाली पोस्ट लिखी, उस पर एक तबका जो है दूसरा वो बिगड़ा, दोनों तबके आमने सामने आ गए, दोनों में दंगा हुआ। सर हम टीवी पे हैं, क्या आपको पूरी घटना नहीं पता? नहीं, किसने क्या लिखा, क्या हुआ, कैसे हुआ, मेरे इल्म में कौन संप्रदाय भड़का, किस तबके ने क्या किया, उसके बाद दोनों नहीं पता, दोनों विस्तार से बता दो। दोनों ने किया, दोनों आपस में टकराए, आप किसी के घर में आग लगाएंगे सर, एक का एक, आप किसी के घर में आग लगाएंगे, उसके बाद उससे उम्मीद करेंगे कि आपस में लड़ते रहे, कहीं एक फरीक का नुकसान ज्यादा होता है, कहीं दूसरे फरीक का नुकसान ज्यादा, लेकिन यह दो फरीक का टकराव सर, हालांकि आदमी को घेर करके जो है मार दिया, मुझ पर दोनों को बराबर नहीं कर सकते। फिर भी मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ राकेश सिन्हा, चलते चलते आप दोनों से छोटा छोटा कमेंट लूंगा, माफी चाहूंगा, गौरव और तारिक जैसे अब कमेंट ले नहीं पाऊंगा सर, क्या कल से अगर अखबार में छपने लगे तमिलनाडु में हिंदू के घर डकैती हुई, पंजाब में हिंदू की लड़की भगाई गई, हरियाणा में हिंदू की फसल में आग लगा दी गई, उत्तर प्रदेश में हिंदू का बेटा मार दिया गया, फलानी जगह पर हिंदू के साथ ऐसा हो गया, ढिकानी जगह पर हिंदू के साथ ऐसा हो गया, तो क्या इस देश के हिंदू इस देश को अपने लिए रहने लायक ना समझे फिर उसके बाद? देखिए हिंदुओं के साथ एक खासियत क्या है कि जो स्थानीय घटनाएं होती हैं उसके स्थानीय सांप्रदायिकता मानकर छोड़ देते हैं, इसके विपरीत जो भारत के बुद्धिजीवी हैं इन नॉट इन माई नेम वाले और जो मौलाना साहब जैसे लोग हैं, वह जहां मुस्लिम अत्याचार होता है उसे तो कहते हैं, बात तो पूरी कर लीजिए, लेकिन जब दो चार ऐसी घटनाएं घटी जो निंदनीय हैं, जो भारत में नहीं घटनी चाहिए, उसको लेकर कहते पूरे हिंदुस्तान का
15 करोड़ मुसलमान खतरे में। नहीं राजेश जी, घटनाएं तो हो जाती है, मैं फिर कहता हूं संकट की घटनाएं रोहित जी हो जाती है और हो सकती हैं। कोई भी हुकूमत के पास कोई ऐसा ऑटोमेटिक आला नहीं लगा हुआ कि घटनाओं को रोकने लेकिन उन घटनाओं को बैठ करके प्रोटेक्ट करना और उनकी जो है नाजायज हिमायत करना, ये सब चीज गलत है जिनको आप क्लीन चिट दे रहे हैं। ना ना मैंने कोई देखिए, हाँ लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर आने वाला मुख्यमंत्री जरूरी नहीं है कि वो सबको एक नजर से देखे। हुसैन शहीद सोहरावर्दी भी चुनकर के आने वाले मुख्यमंत्री थे बंगाल के, और उन्होंने अपनी निगरानी में वहां का सबसे भयानक दंगा करवाया था। तो इसका मतलब तो पंडित जी ये हुआ कि मुसलमान जो आरोप फिर बीजेपी के नेताओं पर लगाते हैं, प्रधानमंत्री पर, मुख्यमंत्रियों पर लगाते हैं, वो सारे जायज है। जी नहीं, उनको बिल्कुल उनकी आप कह रहे हैं आपकी बात से बिल्कुल ये क्लियर होती है, एक कद से नहीं नाप सकते। अरे साहब बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा पड़ेगा, आपने उनके अमल को देखना पड़ेगा, वो कर क्या रहे हैं। यूपी की इस पूरी सिचुएशन आपके सामने, समय खत्म हो गया गौरव, हालांकि समय से बहुत ओवर है, अगर आप 30 सेकंड में अपनी बात कह दें प्लीज, रिक्वेस्ट करो 30 सेकंड के लिए। बिल्कुल कह दूंगा। देखिए ममता जी ने इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए भी आपत्तिजनक बयान दिया, अब गवर्नर केसरीनाथ त्रिपाठी जी के लिए आपत्तिजनक बयान दिया, और केसरीनाथ जी जो कर रहे हैं वो अपने संवैधानिक जो उनकी जिम्मेदारी है उसका निर्वाह कर रहे हैं। और ये अवार्ड वापसी गैंग और नॉट इन माय नेम गैंग कहाँ है आज, ये बहुत बड़ा सवाल है। ये लोग सिलेक्टिवली क्यों अपने बिलों से बाहर निकलते हैं, ये वोट के लालच में अंधे हो गए हैं। इसी तरह शुक्रिया सर, समाजवादी सर बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बंगाल में दंगा होता है तो कहते हैं कि 125 करोड़ हमारे भाई हैं, ये सब हमारे देश के लोग हैं, और अगर जुनैद के साथ कुछ होता है तो कहते हैं कि ये देश अब मुसलमानों के रहने लायक नहीं रहा। ये डबल स्टैंडर्ड है, इसी पर सवाल है, और इस देश की राजनीति बहुत हद तक इसी को हवा देकर लोगों को वोट बैंक बनाकर इस्तेमाल कर रही है। समय है कि लोग इस बात को समझें, इस्तेमाल होना बंद करें। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, खबरें ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी। धन्यवाद आप सबका ताल ठोक के स्पेशल एडिशन का हिस्सा बनने के लिए, रहिएगा हमारे साथ ब्रेक के बाद।